मैं थोड़ा सा और आगे वाले पॉइंट पर आया हूँ। यहाँ पर भी आप देखें इस तरीके से लाइनें डाली गई हैं और ये लाइनों की मजबूती है। और अगर आप देखें इस तरीके से अगर लाइनें नहीं डाला जाए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, लाइनें टूट सकती हैं, लाइनें इतनी मजबूत नहीं होती हैं। तो इनको लाइफ टाइम तक के चलाने के लिए, हिफाजत करने के लिए इस पॉइंट पर भी जो प्रॉपर तरीका है काम करने का वो यहाँ पर काम किया जा रहा है। देखें प्रॉपर तरीके से काम को किया गया है और अब इसके ऊपर लेयर डाल लें, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट छोड़ दिए गए थे क्योंकि नालों का काम चल रहा था। अब ये लेयर यहाँ पर बिछाया जाएगा, देखें रेती आ चुकी है, ये लेयर यहाँ पर बिछाया जाएगा और लेयर बिछाने के बाद फिर इसके ऊपर तमाम तर वैसे ही काम होगा जैसे यहाँ पर काम हो रहा है। और ये बराबर में भी देखें लेयर बिछाया जा रहा है, ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, वैसे जगह बहुत कंज्यूम है। और ये भी जो अजीमपुरा की हदूद पर ही आता है, ये देखें यहाँ पर भी ये पूरा मुकम्मल ये लेयर बिछा चुके हैं, लेयर बिछा दोबारा बिछाने के लिए तैयारी की जा रही है। तो मज़ीद अब आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं, वो आगे वाला पॉइंट भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लाइनों के लिए काम चल रहा है, हर पॉइंट पर नालों का काम अलग से चल रहा है। ये देखें यहाँ पर लाइनों के लिए जो कंक्रीट की दीवार बनानी है उसके लिए फ्रेम बन चुका है और फ्रेम के बाद अब इसके ऊपर कंक्रीट बिछाया जाएगा और कंक्रीट बिछाने के बाद फिर ये इसके ऊपर भराव का काम शुरू होगा। इस वक्त तमाम तर पॉइंट्स पर इसी तरीके से भराव का काम चल रहा है, क्योंकि नाले अगर नालों को इस तरीके से सही सेट तरीके से नहीं बनाया क्योंकि ये दब जाएंगे और इसके ऊपर से जाहिर सी बात है हेवी डंपर भी गुजरेंगे, तो ये प्रॉपर तरीके से काम इसको किया जा रहा है। और ये अभी शटरिंग फ्रेम का काम चल रहा है, फ्रेम के बाद इसके ऊपर कॉन्क्रीट बिछाया जाएगा। थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, पिछली बार जो मैं आगे वाली साइड पर आया था वहाँ की जो काम है वो पूरा मुकम्मल हो चुका था और अभी वहाँ पर काम मुकम्मल हो चुका है। और अभी ये अजीमपुरा की दो तीन पॉइंट्स पर अब इस तरीके से नाला बनाने के लिए, यानी कि सेवरेज के मसाइल, पानी को जाने के लिए इस तरीके से लाइनें डाली जा रही हैं। लाइनें बीच पर के साइड की दीवारें बनाकर इसको मजबूत बनाया जा रहा है ताकि इसके ऊपर से जो हैवी ट्रैफिक गुजरेगा उसको किसी किस्म का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो व्यूवर्स मैं अगले पॉइंट पर मौजूद हूँ। ये जो पॉइंट है यहाँ पर अजीमपुरा का
एंड हो जाता है, यानी कि अजीमपुरा की आबादी का इस कोने पर एंड हो जाता है। और यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से काम चल रहा है जैसे और जगहों पर काम चल रहा है। यहाँ पर काम जो कुछ टाइम पहले शुरू किया गया है इस वाले हिस्से पे, और लेयर को ये बिछा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी सेम वैसे ही रूरल मशीन लगी हुई है, ये जो आपको सामने वर्क करते हुए नज़र आ रही है। और इसी के साथ वो जो मलिर एक्सप्रेसवे की मुकम्मल रिहाइश सामने है, जहाँ पर आपको गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। इसी के साथ आगे डंपर इसी तरीके से रेती डाल रही है जैसे शाह फैसल कॉलोनी वाले पॉइंट पर डाल रही थी। और उसके साथ सामने दो मशीनें और हैं जो रेती को बिछा रही हैं, एक क्रेन भी है जो आगे काम कर रही है। और उसके साथ रेती को यहाँ पर बिछाया जा रहा है। और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम जैसे पिछले पॉइंट पर हो रहा था जो शाह फैसल कॉलोनी के साइड पर था, यहाँ पर भी सेम वैसे ही काम हो रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से काम हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर अभी काम रुका हुआ था क्योंकि यहाँ पर खेत भी थे और फिर फसलें भी लोगों की थी यहाँ पर, जिसके बाद अब यहाँ पर काम को शुरू किया गया है। पिछली बारिशों में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना यहाँ पर जो मलिर एक्सप्रेसवे के ट्रैक को देखना पड़ा है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी ज़्यादा लागत भी आई गई है और काफ़ी पैसा लग रहा है। और डीएचए कराची और डीएचए सिटी पर इसका एंड होगा और काफ़ी काम जो है यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ जारी है। और इस वाले हदूद को मुकम्मल किया जा रहा है क्योंकि कोजवे वाली साइड पर काफ़ी हद तक के काम मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर एक ओवरऑल ब्रिज बनेगा जो कोजवे की सड़क के ऊपर से गुजरेगा। और यहाँ पर मुर्गी खाने पर एक ब्रिज बनेगा, मुर्गी खाने से थोड़ा सा आगे सुमो गोट की साइड पर एक ब्रिज बनेगा। तो मजीद ये शाह फैसल कॉलोनी से लेकर अजीमपुरा तक की अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था, तो मजीद हमारे साथ रहिएगा।